28 जुलाई को हर साल हेपेटाइटिस जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वीकेबी न्यूज ने नागपुर के ओरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्यरत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट मशहूर डॉक्टर दीपेश शर्मा से खास बातचीत की और हेपेटाइटिस के बारे में विस्तृत जानकारी ली। तो आइए देखते हैं ये खास बातचीत। डॉक्टर दीपेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें विभिन्न प्रकार के वायरस शामिल है। जिन वायरस से हेपेटाइटिस होने की संभावना होती है, ऐसे 5 प्रकार के वायरस क्रमशः हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई इस प्रकार है। पूरे भारत में आज लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस की बीमारी है, जिसमें लगभग 25% लोगों को हेपेटाइटिस बी नाम का इन्फेक्शन है। ये विभिन्न प्रकार के वायरस विभिन्न तरीकों से संचारित होते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दूषित पानी के प्रभाव से होने वाली बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी ये पैरेंटल रूट से मतलब ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होने वाले हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस में विभिन्न प्रकार के लक्षण मिलते हैं। ये एक्यूट और क्रोनिक ऐसे 2 हिस्सों में विभाजित रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपेश शर्मा है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और ओरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नागपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, 28 जुलाई को हर साल हम हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें विभिन्न प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से पेशेंट को हेपेटाइटिस होता है। अब ये कौन कौन से वायरसेस हैं? ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, ऐसे 5 डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं जिससे हेपेटाइटिस लोगों को होता है। हेपेटाइटिस का बर्डन हमारे इंडिया में लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों के बीच में लोगों को हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हमारे इंडिया में है, जिसमें लगभग 25% लोगों को सिर्फ हेपेटाइटिस बी नाम का इन्फेक्शन है। अब हेपेटाइटिस ये विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस डिफरेंट टाइप से ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दूषित वाटर यानी पानी और दूषित फीको ऑरल रूट से ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी, सी एंड हेपेटाइटिस डी ये पैरेंटल रूट यानी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होने वाले हेपेटाइटिस है। दोस्तों, हेपेटाइटिस से विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं। ये एक्यूट और क्रॉनिक ऐसे 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक्यूट फेज में जैसे पीलिया, हाथ पैर में कमजोरी, आँखों में और यूरिन में पीलापन आना, बुखार, उसी तरह ये जो सिम्टम्स है ये एक्यूट फेज में होने वाले सिम्टम्स है। इसके साथ में ही अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस ए और ई नाम के इन्फेक्शन हैं तो इनको बार बार वॉमिटिंग होना और लूज मोशन होना ये भी सिम्टम्स मिलते हैं। क्रॉनिक फेज में जनरली जो हेपेटाइटिस है उसमें हेपेटाइटिस बी और सी के जो इन्फेक्शन है ये कॉमन है। इसमें पेशेंट को धीरे धीरे हेपेटाइटिस के कारण लीवर कमज़ोर हो जाता है, उनको लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट के पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, पीलिया होना, खून की उल्टी होना, मल रास्ते से ब्लड आना, उसी तरह कोमा में पेशेंट चले जाना, किडनी फेलियर हो जाना और फेफड़ों में पानी भर जाना आदि सिम्टम्स होते हैं। अब ये हेपेटाइटिस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया है, हेपेटाइटिस ए और ई ये फीको ओरल यानी दूषित वाटर से ट्रांसमिट होते हैं। उसी तरह हेपेटाइटिस बी सी एंड डी इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें इन्फेक्टेड ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ जाना, इन्फेक्टेड नीडल का प्रिक हो जाना, हेल्थ केयर वर्कर को पेशेंट से ट्रांसमिट होना, उसी तरह मदर से चाइल्ड, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी और सी है तो चाइल्ड को ट्रांसमिट होना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यदि आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी या सी है तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट होना, इत्यादि पैरेंटल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है।
अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी नाम के इन्फेक्शन का वैक्सीन अवेलेबल है। अगर कोई पेशेंट कोई पर्सन हाई रिस्क है, जैसे वो हॉस्पिटल में काम करता है या मेडिकल वर्क मेडिकल से रिलेटेड कोई वर्क करता है, तो उसका ईयरली रेगुलर चेकिंग करना और जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह हाई रिस्क बिहेवियर, जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो ये है अवॉइड करना, हाई रिस्क एक्सपोजर अवॉइड करना, उसी तरह हाई रिस्क ड्रग बिहेवियर को भी अवॉइड करना, इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसमिट करने से बचने की कोशिश करना, ये हेपेटाइटिस बी और सी को ट्रांसमिट करने से प्रिवेंट करने के कुछ उपाय है। अब इससे रिलेटेड इन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट में क्या है? जनरली हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे वायरल इन्फेक्शन बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं और वायरल इन्फेक्शन क्लियर होता है। 1% लोगों में इसके कारण कॉम्प्लिकेशन होते हैं और डेथ होने का रिस्क होता है। हेपेटाइटिस बी सी ये क्रॉनिक है। लगभग 60-70% पेशेंट को जब हेपेटाइटिस बी होता है तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे धीरे धीरे ये हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर को डैमेज करने लगते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो जाता है, जिससे लीवर उनका सूख जाता है और इन पेशेंट को सिम्टम जैसे मैंने बताए थे, पेट में पानी भरना, पैर में सूजन आना, खून की उल्टियाँ होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ पेशेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीवर का कैंसर भी होने का रिस्क होता है। तो दोस्तों, ये मेरे तरफ से हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि हम सबके सहयोग से ही हम हेपेटाइटिस को कंट्रोल में ला सकते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस में होता क्या है? हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस जब ये हमारे शरीर में एंट्री करते हैं तो ये ब्लड के रास्ते से लीवर में जाके बैठ जाते हैं। हेपेटाइटिस बी का वायरस मैक्सिमम लोगों में लीवर में जाके लीवर के सेल में, जिनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, उसमें एंट्री करके वहाँ बस जाता है और धीरे धीरे ये लीवर को डैमेज करने लगता है। जब डैमेज, बहुत से मरीजों को ये पता ही नहीं चलता कि उनको हेपेटाइटिस बी नाम का वायरस है या हेपेटाइटिस सी नाम का वायरस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डैमेज जब कर देता है उसके बाद में उनको पता चलता है, लेकिन जब तक काफ़ी हद तक लोगों का लीवर डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के बाद में लीवर सिरोसिस नाम का एक बीमारी होता है, जिससे आगे चल के लीवर कैंसर भी हो सकता है। घर में किसी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए सब वैक्सीनेशन कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू।